हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू रेड स्पार्क गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था, ब्रॉल गेमर जो है वो हमारा वर्ल्ड छोड़ के जा चुका है। तो कोई बात नहीं गाइस, हम ही लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग नेदर में जा रहे हैं नेदर को एक्सप्लोर करने। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ दोस्तों, तो चलते हैं और देखते हैं हमें कैसे कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो चलिए गाइस, हम लोग चलते हैं नेदर में। और दोस्तों, हम लोग नेदर में आ चुके हैं, तो अब चलिए हम लोग फोर्टेस की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, मैंने ये रास्ता बना कर रखा है क्योंकि मैं पहले जिस दिन एक्सप्लोर करने आया था तो रास्ता मैंने बना लिया था जाने का। तो गाइस, बढ़ते हैं फोर्टेस की ओर। और ज़्यादा काफ़ी दूर भी नहीं है गाइस, हमारा जो फोर्ट्रेस है वो बहुत पास में ही है, तो हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर गास्ट है दोस्तों, तो इससे बच के रहना होगा हमें। और ये मैग्मा भी है यार, यहाँ पर मैग्मा। भाग यहाँ से, भाग भाग। ओ शिट, खैर कोई नहीं, हम लोग बच के निकल गए दोस्तों। और हम लोग अब बढ़ते हैं आगे फोर्ट्रेस की ओर। गाइज़, ये सीरीज़ अब मुझे अकेले एंड करनी पड़ेगी, मुझे सबसे ज़्यादा यही दुख हो रहा है। क्योंकि अगर हम लोग साथ में खेलते हैं कुछ फ्रेंड्स एक ही वर्ल्ड में तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, पर हमारा दोस्त तो है नहीं दोस्तों। हमारा दोस्त ये गेम खेलना छोड़ चुका है, अब पता नहीं वो कौन सा गेम खेलता है। आप लोग चाहो तो उसके चैनल पर जाकर देख सकते हो वो क्या कर रहा है। मुझे तो आजकल उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। खैर, यहाँ भी गास्ट है दोस्तों, तो इसे हम लोग एरो से शूट करने की कोशिश करेंगे। और गाइस, यहाँ पर मैं छुप कर गास्ट पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो तो चला गया दोस्तों। खैर कोई बात नहीं, मेरा जो बो है गाइस वो भी कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं है, पावर 1, अनब्रेकिंग 1 और इन्फिनिटी लगा हुआ है बस। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा पंगे ना लेते हुए सोच रहा हूँ मैं, हम लोग फोर्ट्रेस की ओर ही बढ़ते चले। तो गाइस चलिए हम लोग चलते हैं। ये ब्रिज मैंने पहले बना करके रखा था, जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होगा गाइस। तो चलिए, हमारा फोर्ट्रेस जो है सामने दिख रहा है दोस्तों, और हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं और कौन कौन से हमारे मॉब आते हैं रास्ता रोकने के लिए। एक ब्लेज तो यहाँ सामने दिख रहा था दोस्तों पहले से ही। गाइस, मैंने ये बंकर टाइप का, मतलब एक बेस टाइप का बना लिया है, यहाँ पर मैं छुप करके मार सकता हूँ, या फिर कोई मेरे पीछे पड़ा हो ब्लेज वगैरह ये, तो मैं यहाँ पर छुप के उन्हें मार सकूँ। इसलिए मैंने ये बनाया डर्ट के ब्लॉक से। तो खैर गाइस, ये देखिए आप लोग, जैसा कि देख सकते हो ब्लेज आ गया था अंदर मुझे मारने के लिए, तो मैं यहीं पर छुप करके इन्हें मार सकूँ, इसलिए गाइस मैंने ये बेस बनाया है। जल्दी से खाना खा लेते हैं गाइस, क्योंकि हमें हील करना है अपने हार्ट्स को। और ये फिर से आ गया, अपने एरो से जल्दी मरता है, अंदर मार देगा यार, एरो से जल्दी नहीं मरने वाला ये, हमें तलवार ही यूज़ करनी होगी इसे मारने के लिए गाइस। अब लगता नहीं कि कोई आने वाला है, वो फिर से आ गया, इसे भी मार देते हैं दोस्तों। खैर, हमारा आर्मर जो है वो ठीक ठाक कंडीशन में है दोस्तों, तो हम लोग इस पार्ट को स्किप करते हैं और आगे चलते हैं फोर्ट्रेस वाले पार्ट में। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग ब्लेज से बचते हुए अपना फोर्ट्रेस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अंदर हमें क्या क्या लूट मिलता है गाइस। और फोर्ट्रेस जाने का रास्ता मैं शायद भूल रहा हूँ, मतलब कि जहाँ पर लूट वगैरह रखा होता है वो जगह मैं शायद भूल रहा हूँ, लेकिन इधर से ही हम लोग कहीं जाते थे। अरे ये यार, ये क्यों आ जाता है बार बार। इस बार तो गया। ओके गाइस, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये ब्लेज रोड इसने गिरा दिया है, हम लोग रख लेते हैं वो। और गाइस, हम लोग अंदर आ चुके हैं, ये हमारा फोर्ट्रेस के अंदर का पहला चेस्ट है। तो चलिए गाइस, इसे खोल के देखते हैं क्या मिलता है हमें। गोल्ड इंगट्स और हॉर्स आर्मर और सैडल मिला है दोस्तों। चलो काफ़ी, कोई मतलब उतना ख़ास तो लूट नहीं है, फिर भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और भी चेस्ट होने चाहिए, और भी बाकी चेस्ट को हम लोग दोस्तों लूट करेंगे। इधर तो पूरा लावा है गाइस, और मुझे नहीं लगता इधर से कोई रास्ता गया होगा।
तो हम लोग दूसरे रास्ते से जा करके देखते हैं। अरे यार, ये तो जहाँ देखो वहाँ पर आकर के खड़ा हो जाता है, इससे भिड़ना ही नहीं है मेरे को। और गाइज, हम लोग इधर चलते हैं, फोर्ट्रेस का इस साइड भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं क्या मिलता हमें और क्या क्या नहीं मिल पाएगा, पता नहीं। और गाइज, नेदर वार्ड्स हमें मिल चुके हैं जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थे, तो इन्हें हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। मैं तो शवल या फिर ये लाया नहीं होगा गाइज, इसीलिए मुझे पिकैक्स से ही ये क्या बोलते हैं, साउल सैंड या साउल सॉइल जो भी बोलते हैं इसे, मुझे तलवार या पिकैक्स से ही कलेक्ट करना पड़ेगा। पिकैक्स से करके देखते हैं। इसमें तो काफ़ी समय लग रहा है गाइज, उधर साइड में जो है हम लोग वो तलवार से करके देखेंगे, क्योंकि ये पिकैक्स से तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। और ये कहाँ से मुझे मार दिया किसने फिर से, ब्लेज भी ना उड़ता रहता है जहाँ वहाँ, कहीं इसका कोई ठिकाना नहीं रहता, कभी भी आकर के हमला कर देता है। अबे यार, इसको निपटना पड़ेगा इससे पहले। और इधर से आ रहे हो, ये ले, हो गया, आत्मा को संतुष्टि मिल गई। अब गाइस, हम लोग तलवार से अपना ये साउल सॉइल या सैंड जो भी बोलते हैं इसे निकाल लेते हैं। मेरा, मुझे नाम याद नहीं रहता, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ साउल सैंड और साउल सॉइल में, तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूँ मैं कि क्या बोलते हैं इसे। खैर कोई बात नहीं, नाम से क्या मतलब है। कुछ लोग तो माइनक्राफ्ट में लामा को ऊंट बुलाते थे जब हमारे माइनक्राफ्ट में कैमल नहीं आया था, तो गाइस तो मैं भी क्यों नहीं बोल सकता, इसलिए मैं भी कुछ भी नाम दे देता हूँ। हर दोस्तों, एक्सप्लोर करने लायक तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे मेरे ख्याल से। खैर कोई नहीं गाइज, हमने जितना लूट करना था उतना तो कर ही लिया है, और हमें और कुछ तो यहाँ पर खास दिखाई नहीं दे रहा जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर एक और चेस्ट है, और हमें गोल्ड बार मिला है, और एक सैडल, और एक और आयरन इंगट। अरे यार, ये कहाँ से आ गए, लगता है अब तो गया मैं, दो तो हैं। अरे यार, हट जा हट जा, हाफ आ हार्ट पर बचा हूँ, बाप रे बाप, जल्दी से हील करना पड़ेगा। इधर इफेक्ट तो दोस्तों ख़त्म हो चुका है, पर अभी हमारे हार्ट्स जो हैं वो फिल नहीं हुए हैं पूरी तरह से। तो गाइस, वेट करते हैं यहाँ पर, हम लोग कहीं पर जाकर रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि कब कौन कहाँ से आकर हम पर हमला कर दे कोई ठिकाना नहीं है दोस्तों। नेदर में हमेशा हमें बच के चलना चाहिए, क्योंकि मैं दोस्तों डायमंड का आर्मर भी अभी तक नहीं बना पाया हूँ, तो क्या बोल सकते हैं, मैं आयरन का आर्मर ही पहन करके आया हूँ दोस्तों। और मैं, मुझे ये पिगलिन्स वगैरह ये सब अटैक ना करें मेरे ऊपर, इसलिए मैंने हेलमेट जो है वो गोल्ड का लगाया है। तो चलिए गाइज, आगे हम लोग बढ़ते हैं गेम में। तो गाइज, खैर हमने जितना फोर्ट्रेस घूमना था हमने घूम लिया, जो भी लूट लूटना था लूट लिया। अब मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ और हम लोग चलते हैं सीधे अब गाइज अपने घर। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग वापस अपने ओवर वर्ल्ड में आ चुके हैं दोस्तों। क्या हुआ था एक्चुअली कि मैं जब वापस आ रहा था तो मैं मर गया था, और मेरे जो आयरन इंगट थे और गोल्ड इंगट थे वो लावा में जल गए, तो मैं उन्हें नहीं बचा पाया। खैर, मेन जो हमारी चीज़ें थी उन्हें मैंने बचा लिया है, और फिर ले आया हूँ मैं वापस अपने ओवर वर्ल्ड में। तो खैर गाइस, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।